ऑलराइट, तो मैंने जवान मूवी को पूरे 4 बार देखा इस उम्मीद में कि मुझे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल सके वीडियो बनाने के लिए, पर मुझे इसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिला जिसे एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं भी आपको जवान मूवी के ऊपर एक दो वीडियो और भी देखने को मिल सकती है इस चैनल पर। ठीक है समरिया। वेल, जब मैंने SRK की इस मास्टरपीस को कई बार देखा तो मुझे इसमें एक चीज बहुत कॉमन लगी जिसे आपने भी एक ही बार में इजीली नोटिस कर लिया होगा, जैसे कि ये वाला सीन। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे इस मूवी में ऐसे ही कई सीन्स और मिले, तो उन्हीं कुछ सीन की बात हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5। तो यूं तो जवान मूवी में SRK के हुक्स और जबरदस्त लुक्स ने हमें काफी ज्यादा एंटरटेन किया, पर इनके साथ ही उनके डायलॉग्स ने भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया था। जैसे कि इस सीन में जब काली का भाई फौजी SRK के बेटे DIG आजाद को किडनैप करके ले गया होता है, तब आजाद की इन 6 चेलियों के साथ साथ उन्हें बचाने को उनके फौजी पापा भी आते हैं, जो इन भाड़े के टट्टुओं को हथौड़े और अपने इस घूमते हुए चक्री से मारकर सेटिस्फाई नहीं होते तो अपनी बेल्ट से भी इनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। जिसके बाद जब फौजी पापा अपने DIG बेटे को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तो ये दड़ियल यानी काली का भैया उनसे ये पूछता है, जिसका रिप्लाई हमारे फौजी पापा कुछ ये देते हैं। इनके इस डायलॉग के बाद भाई साहब थिएटर में तो बहुत ज्यादा तालियां बजी थी और ताली बजाने वाले लोगों में मैं भी शामिल था, पर इनका यह डायलॉग डिटो ही कॉपीड है अक्षय कुमार के इस डायलॉग से। अब आप ही इन दोनों डायलॉग्स को सुनिए और बताइए इनमें क्या अंतर है। राठौड़ विक्रम राठौड़। नंबर 4। तो दोस्त, अगर आपने कभी 90s की फिल्में देखी हैं तो आप भी कहीं ना कहीं हमारे संजय दत्त सर के डायलॉग्स के मुरीद बन गए होंगे। उनका यह वाला डायलॉग तो आपको इंस्टा रील्स में अभी भी देखने और सुनने को मिल जाता होगा। देख असली असली 50 तोला 50 तोला। इनके इन डायलॉग्स का क्रेजी है कि मेकर्स इन्हें हर एक बड़ी फिल्म में ले ही लेते हैं, या कहें कि जिस फिल्म में संजू बाबा होते हैं वो फिल्म ही बड़ी बन जाती है। SRK की जवान मूवी में संजू बाबा का कैमियो देखकर भाई साहब संजू फैंस तो खुशी से पागल हो गए थे, पर उनकी ये खुशी अगले ही सेकंड 10 गुना बढ़ जाती है जब हमें संजू बाबा के मुँह से ये डायलॉग सुनने को मिलता है। वेल, ये डायलॉग खलनायक फिल्म से फुल लीड कॉपी किया गया है, पर वहाँ भी इसे संजू बाबा ने ही बोला था और यहाँ भी इन्होंने ही इसे बोला, जिस वजह से फैंस की यादें ताजा हो गईं, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं इस शख्स को भी जाता है। इसीलिए इस डायलॉग को हम कॉपी तो नहीं कह सकते। नंबर 3। तो इसी सीन में जब हमारे विक्रम राठौड़ चाचा अपने बेटे को इन गुंडों से बचा के ले जा रहे होते हैं तो इस दड़ियल अंकल के पूछने पर वह अपना नाम बड़े ही स्वैग के साथ बताते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम होता है जब हमें उनका नाम उनके ही मुंह से सुनने को मिलता है। और इस डायलॉग के बाद इनका डायलॉग ये होता है। अगर आप एक SRK फैन है तो आपको पता ही होगा कि ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि इमोशन है। और अगर आपको बाई चांस ये नहीं पता तो मैं बता दूं कि जैसे ही कोई आपके सामने ये स्टेप करता है तो आप तुरंत ही समझ जाते हैं कि इसके इन्वेंटर कौन है। बस बिल्कुल ऐसे ही ये डायलॉग भी SRK का सिग्नेचर डायलॉग है। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। जिसे हम कॉपी तो नहीं कह सकते पर ये SRK की मूवीज में बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गया है। नंबर 2। तो जब शुरुआत में हमारे आजाद भैया की ये 6 चेलियां मिलके इस मेट्रो को हाईजैक कर लेती हैं तो लगभग इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल ही कर लिया होता है, पर इतने में ही एंट्री हो जाती है इन मस्कुलर चचा की, जो एक ही मिनट में इन चेलियों को धूल चटाते हुए ऑलमोस्ट इनका प्लान फेल कर देते हैं। मगर SRK वी लाइक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। SRK अपनी बेहतरीन फाइटिंग टेक्निक से इस पूरी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, जिसके बीच में ही गलती से ये मस्कुलर चचा ये बोल देते हैं, जिसे सुनकर हमारे SRK भैया कहाँ चुप रहने वाले थे, वो इसका सफिशियंट आंसर देते हैं। बुड्ढा तेरा पहले। इनका जो ये डायलॉग है वो हमारे बिग बॉस यानी अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग से कॉपी किया गया है। बुड्ढा होगा तेरा बाप। नंबर 1। तो इस सीन में हमारे आजाद भैया तो अपने लास्ट मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर हमारे राठौड़ भैया तो काली के ही पास होते हैं और काली उन्हें मार मार के अपने पैसे और आजाद का पता पूछ रहा होता है, और तभी यह बंदा ये डायलॉग मारता है। टीवी पे सिम्बा था, ये मुफासा है।
वेल ये रेफरेंस होता है लायन किंग मूवी को, जो कि हर कोई ही समझ गया होता है। उस मूवी में भी हमें बाप बेटे का प्यार ही देखने को मिला था। सिम्बा अपने बाप मुफासा से भी 4 कदम आगे था, और ऐसा ही सेम हमें जवान मूवी में भी देखने को मिला। आजाद के प्लान्स और स्किल्स अपने बाप से भी कुछ ज्यादा ही थे। वेल क्या आपने इसके अलावा कोई और कॉपीड या किसी और डायलॉग का रेफरेंस मूवी में नोटिस किया तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।